तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग चैनल में। सो गाइस, आज जो है ब्रेकफास्ट वगैरह हमने सब कुछ कर लिया है, सारा कुछ कर लिया है। आर्यन देखो बोले वो सो गए हैं, अभी सो रहे हैं, इनकी अभी नींद पूरी नहीं हुई थी क्योंकि हम रात में 3:30 बजे सोए थे। और सारा कुछ काम वगैरह हो गया है तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। एक घर में झालर टाइप की पड़ी हुई थी, हैंगिंग वॉल, तो जिसमें जो कि मतलब हाफ काम उसमें हो रखा है, आधा उसमें काम करना बाकी रह रहा था। मेरी वो नंद ने बनाई थी, छोटी वाली नंद ने, बट वो किसी वजह से आधी रह गई होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेड में से निकाल के मैं उसी को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैंगिंग वॉल है, तो मैं उसी को ही अभी बना रही थी बैठ के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में व्लॉगिंग भी कर ली जाए, तो देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है मेरा, दूर से दिखाती हूँ थोड़ा सा, ये है। और इसमें अभी आधा वर्क रह रहा है क्योंकि ये जो सर्कल्स है ना, ये जो छेद छेद से हैं, इसमें हॉल्स हैं, इनमें भी अभी सेम इस तरीके का कुछ साइज से झालर वगैरह लगनी है। तो जो कि ये रही हमारे पास में, और सारा मटेरियल ये पड़ा हुआ है। तो मैं अभी इसी को ही रेडी करने की कोशिश कर रही थी, देखती हूँ अगर मुझसे रेडी हो जाता है तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर नहीं होता है कोशिश करूंगी कि मेरे से ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पड़ा हुआ है और घर में फ्री रहते हैं तो ये सारे काम कर ले तो ही ज़्यादा बैठ। सो गाइस, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मुझे लग रही थी हल्की हल्की सी भूख। रात में दाल चावल जो बनाए थे वो बच गए थे, तो वही हम दोनों ने खा लिए थे, तो खाना नहीं बनाया था, बट वो ये 12 बजे के करीब खा लिए थे थोड़े थोड़े, तो इस वजह से मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने सिवई रखी हुई थी जो मम्मी लेके आई थी, जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी, तो वो सिवई में मैंने थोड़ा सा ही दूध था, ज़्यादा दूध नहीं था, तो उसी दूध के साथ में मैंने ये सिवई टाइप की थोड़ी सी बना ली। और साथ में मैंने एक पराठा सेक लिया क्योंकि थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, तो अभी मैं वही खाने जा रही हूँ। आर्यन जो है वो खा पी के सो गए हैं, इनको नींद आजकल ज़्यादा आती है क्योंकि ये मेडिसिन लेते हैं, तो नींद ज़्यादा आती है इनको। ओके, सो अभी मैं इसको ले लेती हूँ। और सिवाय गाइस मेरी दूध नहीं था, तो इस वजह से ना थोड़ी मतलब ये है कि थोड़ा सा सहारा मिल गया इसको मिल्क का, बाकी कोई ज़्यादा टेस्टी नहीं बनी होगी मुझे पता है। और अभी आदमी सो रहे हैं, मैं शॉप पे जाती नहीं हूँ, तो इस वजह से मंगवाया भी नहीं मैंने दूध, तो मैंने ऐसे ही बना ली। कोई बात नहीं, मुझे ही तो खाना है, कौन सा किसी और को खाना है जो जज करूँगा, है ना। तो अभी मैं नीचे से सिलेंडर को ऑफ कर देती हूँ और साथ में ले लेती हूँ मैं अपना परांठा। एक ही गाइस मैंने परांठा बनाया है क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे कोई ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। ठीक है, ये देखिए मैंने ले लिया है, नीचे पराठा है गाइस, नीचे वाली प्लेट में मैंने एक ही हाथ में पकड़ लिया दोनों चीज़ों को। बैठ के खा लेते हैं क्योंकि ये सो रहे हैं, तो डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ अभी इन्होंने मेडिसिन ली है, तो इस वजह से गाइस माइंड की जो मेडिसिन होती है ना ज़्यादा ही हाई पावर की होती है। मैंने न्यू शेड नेल पेंट लगाई है, कमेंट करके बताना कैसा लगा है मेरे को नेल पेंट का कलर। मैं मोस्टली ब्लैक ही लगाती हूँ नेल पेंट, नॉट बैड, सही लग रहा है खाने में। आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी क्योंकि कूलर चल रहा है, आर्यन है। मैंने मंगाई थी आर्यन से आइसक्रीम, मैंने तो 20-25 वाली बोली थी उनको, बट वो 45 वाली लेकर के आ गए। खा लो आप लोग भी आइसक्रीम, और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन सी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरी तो फेवरेट भाई यही है, वैसे तो मुझे वैनिला फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आर्यन ये वाला ले आए हैं बटर स्कॉच वाला, तो ये भी कोई बुरा नहीं होता, ये भी ज़्यादा बेटर है। ओके, सो मैं इसको इन्जॉय करती हूँ और उसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। सो गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करना, कॉमेंट करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।